हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निगम। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। सो गाइस, अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों को गैप अप ओपनिंग जो है वो देखने को मिला था। एंड देन बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया जहाँ पे हम लोगों को पी साइड में एक अच्छा प्रॉफिट हो गया था और सी साइड का ट्रेंड जो है यहाँ से एक बन गया था, लेकिन वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा था, इस ट्रेंड लाइन को एक फेक ब्रेकआउट नीचे के साइड में देने के बाद में, तब यहाँ पे एक सी साइड का ट्रेंड जो है वो हम लोगों का बना था। एंड देन साइडवेज में मार्केट चला गया। अगर से बात करेंगे इसके ओपनिंग के बारे में, लो के बारे में, हाई के बारे में और आज के क्लोजिंग के बारे में, तो हम लोगों को ये सारी चीज़ों को मिक्स करके डोजी कैंडल जो है वो मिल गई है, जो कि एक इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड में भी चला जा सकता है। सो दो हमारे पास में कंक्लूजन्स निकल करके आ जाएंगे। निफ्टी के साथ में अगर इसे कंपेयर करेंगे तो निफ्टी दो पहली कैंडल्स में हम लोगों को एक अच्छा सा उछाल देखने को मिला, एंड देन पूरे दिन भर जो निफ्टी है वो साइडवेज देखने को मिला। लेकिन इसका ये लो, इसका ये हाई और उसके बाद में जो ब्रेकआउट मिला था वो वाला हाई, इस हिसाब से हम लोग को कम्प्लीटली एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर आज ज़रूर देखने को मिला है। और इस टाइप से इसका कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। अगर से बात करेंगे मेरे प्रीमियम ग्रुप के एनालिसिस के बारे में गाइस, तो बहुत अच्छी सी आज हम लोग को प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला है। जीएनएफसी मैंने फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था जिसमें हम लोग को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट है। ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स जो है वो चार्ट रीडिंग के लिए बहुत अच्छे खासे स्टॉक्स है। अगर आप लोग चार्ट रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन्हीं स्टॉक्स का जो है वो आज के दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर से बात करेंगे गाइस, जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स आज के दिन के लिए मैंने आप लोग के साथ में शेयर किए थे उसके एनालिसिस के साथ में, तो पहली थी उसमें से कोफोर्ज। कोफोर्ज ने सेफ प्लेयर्स को एंटर करने के लिए यहाँ पे कोई चांस नहीं दिया था, क्योंकि पहले 5 मिनट की कैंडल जो है बहुत बड़ी कैंडल थी, सो सेफ प्लेयर्स के हिसाब से यहाँ पे एंट्री नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो 6% का आज के दिन में स्टॉक ने हाई लगाया है। अगर से बात करेंगे जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी लालपत लैब की। अब इसमें दो लॉजिक्स के साथ में ट्रेड किया जा सकता था। पहला लॉजिक जो है वो यहाँ से मैजिकल लेवल, यहाँ से स्टॉक गिरा, गैप अप ओपन हो गया, यहाँ से गिरा और हमारे लेवल से जो है वो अपसाइड में मूव ऑन कर गया, टारगेट 3 दे दिया। अब मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि जो लेवल 3 होता है स्टॉक्स में, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, या फिर जो लेवल 4 होता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में, चाहे ऊपर हो नीचे हो, वो होता है इंपॉर्टेंट रिवर्सल ट्रेडिंग का लेवल। जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे टच किया लेवल 3 को, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया और शार्प फॉल हम लोग को लालपत लैब में देखने को मिला। यानी कि हम लोगों को पी साइड में भी एक बहुत बेहतरीन ट्रेड जो है वो देखने को मिला था। और अगर बात करेंगे तीसरे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया, यहाँ पे थर्ड टारगेट को हिट किया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में 2775 का मैजिकल लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहीं से हम लोगों को एक शार्प गेन जो है या फिर रिवर्सल जो है वो देखने को मिला था। बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे सी साइड में देखने को मिला है। यानी कि गाइस 323 एपिसोड्स तक जो भी 99% की एक्यूरेसी मैं आप लोग के साथ में क्लेम करता हूँ अपने हर यूट्यूब के वीडियो में, साथ में आप लोग हर यूट्यूब के थंबनेल पे देखते हो, वो आज भी बरकरार है। और मेरी कोशिश रहेगी एटलीस्ट 365 डेज तक इसे कंटिन्यू कर सको। सो अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे करके रखा हुआ है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ गाइज, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार यूट्यूब को स्क्रॉल करके देख लीजिए और टेलीग्राम को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अकाउंट ओपनिंग का। आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जाकर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पर ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह 1 महीना प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं लगा रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है,
ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2000 5000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरी लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है, चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज का कैपिंग है। 15,000 रुपए के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और एलाइज ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे। दोस्तों कल के दिन की जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हमारी रहेगी वो रहेगी SRF की। SRF में एंड ऑफ द डे एक बहुत अच्छा सा वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिल रहा है और स्टॉक को यहाँ से एक रेजिस्टेंस भी आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अगर वॉल्यूम के साथ में कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिल जाता है तो 2394 के ऊपर SRF बुलिश हो जाएगा। 2405, 2420, 2444 ये हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 2380 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2380 के नीचे SRF बियरिश है, 2371, 2350, 2332 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है, तो 2394 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है OFSS की, यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज की। एंड ऑफ द डे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम इस स्टॉक में आ चुका है, 3,085 के ऊपर स्टॉक बुलिश है, 3,095, 3,112, 3,130 अपसाइड के लेवल्स है, तो 3,071 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। इन केस अपसाइड नहीं चला जाता है, यहीं से डाउनफॉल आ जाता है, तो 3,071 के नीचे स्टॉक बियरिश है, 3,060, 3,045, 3,027 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है, तो 3,085 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। इसके बाद में जो तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के। एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा वॉल्यूम आ चुका है, स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, आइधर किसी भी साइड में हम लोग को जो ब्रेकआउट मिलेगा अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। 2668 के ऊपर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है वो बुलिश होने वाला है, 2677, 2686, 2700 अपसाइड के लेवल्स है, तो 2655 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। इन केस अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं चला जाता है तो 2655 के नीचे स्टॉक बियरिश है, 2646, 2637, 2627 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है, तो 2668 हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को समझ के लेनी है, जैसे कि उसमें से पहले चीज ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाय अबोव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सिलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पर डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका
मेन मीनिंग यही है, इसका रीजन मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का जरूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज, इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट टाइम्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज हम लोग चेक करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स, पहले तो एक बार इसका प्रिडिक्शन चेक कर लेते हैं। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे बॉटम में ही कल मैंने बैंक निफ्टी जो है वो बाई करवाई थी, उसे रिवर्सल से आज हम लोगों को यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिला है। अगर से बात करेंगे गैप अप ओपनिंग के बारे में तो बहुत ही अच्छा सा गैप अप ओपनिंग हम लोग को देखने को मिला है, और जो मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम की कैंडल जो है वो कैसे बनती है उसका लॉजिक आपको समझाया, उस हिसाब से हम लोग को कंप्लीट बुलिश जो क्लोजिंग है वो आज के दिन में देखने को मिला है। सो कल के दिन में अगर इसका डे हाई चला जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है तो देन अगेन एक साइडवेज का मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर एक फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा सा हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और फिर इसका हाई अगर चला जाता है तो बहुत ही अच्छी सी बुल रैली जो हम लोग को देखने को मिल जाएगी। अगर इसके लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो 18,440 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 18,500 हमारे अपसाइड के लेवल्स है, तो 18,400 के नीचे ये बेयरिश है, 18,362 18,319 18,274 और 18,215 हमारे यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें गाइस तो काइंड ऑफ हम लोगों को एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला है, और कैंडल का डे टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे बनती है उसका जो लॉजिक आपको मैंने एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। अगर डोजी कैंडल का हाई चला जाता है तो एक अप ट्रेंड जो है हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर से बात करेंगे इसके जो मैजिकल लेवल्स है उसके बारे में तो 42,350 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है, 42,446 42,570 42,687 और 42,872 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे, तो 42,250 के नीचे ये वीक है, 42,158 42,047 41,902 और 41,700 ये हमारे डाउन साइड के लेवल्स होने वाले। सो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है, लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज अगर वीडियो को लाइक और कमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।